तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दवान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए अर्दवान ने कहा, कश्मीर संघर्ष दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिहाज से काफी अहम है। यह अब भी एक ज्वलंत मुद्दा है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से स्थिति और जटिल हो गई है। भारत ने अर्दवान के इस बयान पर आपत्ति जताई है, वहीं पाकिस्तान ने इसकी सराहना की है। बीते कुछ सालों में भारत और तुर्की के रिश्ते लगातार खराब हुए हैं। नरेंद्र मोदी जब से पीएम बने हैं, वो मध्य पूर्व के लगभग सभी अहम देशों के दौरे कर चुके हैं, लेकिन एक बार भी तुर्की नहीं गए। पिछले साल 20 अक्टूबर को अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने एक रिपोर्ट छापी थी कि मोदी 2019 के आखिरी महीनों में तुर्की जाने वाले थे, लेकिन कश्मीर पर अर्दवान की लाइन पाकिस्तान के पक्ष में होने के कारण दौरा रद्द कर दिया गया। तब भारत में तुर्की के राजदूत साकिर ओजकान ने द हिंदू से कहा था, हमारी सरकार को उम्मीद थी कि पीएम मोदी अंकारा जाएंगे। यह केवल उम्मीद ही नहीं थी बल्कि हाल ही में इस पर बात भी हुई थी। हम लोग अब कोई दूसरी तारीख का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले महीनों में पीएम मोदी के वक्त के हिसाब से कोई नई तारीख तय होने का इंतजार है। भारत सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन निश्चित तौर पर इसे लेकर चर्चा हुई थी। तुर्की के राजदूत ने यह भी कहा था कि कश्मीर पर चीन ने भी भारत की आलोचना की थी, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत दौरा हुआ। दो देशों के संबंधों में आई कड़वाहट के लिए तुर्की का कश्मीर और FATF में पाकिस्तान का समर्थन मुख्य वजह हैं। जब तुर्की ने उत्तरी सीरिया में कुर्दों पर हमले शुरू किए तो भारत ने भी इसके लिए तुर्की की आलोचना की थी और कहा था कि संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। भारत ने तुर्की के अनादोलू शिपयार्ड से भारत में नेवी सपोर्ट शिप बनाने की डील को भी रद्द कर दिया था। भारत ने ये कदम कश्मीर और FATF पर तुर्की के पाकिस्तान के साथ खड़े होने के जवाब में उठाए थे। पाकिस्तान और तुर्की के बीच संबंध भारत की तुलना में काफी अच्छे रहे हैं। दोनों मुल्क इस्लामिक दुनिया के सुन्नी प्रभुत्व वाले हैं। अर्दवान के पाकिस्तान से हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। जब जुलाई 2016 में तुर्की में सेना का अर्दवान के खिलाफ तख्तापलट नाकाम रहा तो पाकिस्तान खुलकर अर्दवान के पक्ष में आया था। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अर्दवान को फोन कर समर्थन किया था। इसके बाद शरीफ ने तुर्की का दौरा भी किया था। तब से अर्दवान और पाकिस्तान के संबंध और ज्यादा अच्छे हुए। 2017 से तुर्की ने पाकिस्तान में $1 अरब का निवेश किया है। तुर्की पाकिस्तान में कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। वो पाकिस्तान को मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी मुहैया कराता रहा है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अब भी काम चल रहा है। अगर दोनों देशों के बीच यह समझौता हो जाता है तो द्विपक्षीय व्यापार $90 करोड़ से बढ़कर $10 अरब तक पहुँच सकता है। पाकिस्तान में टर्किश एयरलाइंस का भी विस्तार हुआ है। इस्तांबुल रीजनल एविएशन हब के तौर पर विकसित हुआ है। ज्यादातर पाकिस्तानी तुर्की के रास्ते पश्चिम के देशों में जाते हैं। हालांकि पाकिस्तानियों को तुर्की में जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होंगे। तुर्की में हाल के सालों में पश्चिम और यूरोप के पर्यटकों का आना कम हुआ है। ऐसे में तुर्की इस्लामिक देशों के पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है। पाकिस्तान के लिए तुर्की लंबे समय से आर्थिक और सियासी मॉडल के रूप में रहा है, लेकिन वक्त के साथ चीजें काफी बदल गई हैं। पाकिस्तानी सेना के पूर्व प्रमुख और पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा के प्रशंसक रहे हैं। मुशर्रफ पाशा के सेक्युलर सुधारों और सख्त शासन की प्रशंसा करते रहे हैं। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान अर्दवान की प्रशंसा करते रहे हैं। साल 2016 में तुर्की में तख्ता पलट नाकाम करने पर इमरान खान ने अर्दवान को नायक कहा था। जाहिर है इमरान खान भी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में राजनीतिक सरकार के खिलाफ सेना का तख्ता पलट हो, जिसकी आशंका पाकिस्तान में हमेशा बनी रहती है। पिछले साल 14 फरवरी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान तुर्की बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा था कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। इमरान खान जब ऐसा कह रहे थे तो अर्दवान भी वहीं बैठे थे। अर्दवान पाकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। इस दौरे में अर्दवान ने पाकिस्तानी संसद को संबोधित किया था और उनके संबोधन के दौरान सांसदों ने जमकर मेज थपथपाए थे। अर्दवान ने संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए जितना अहम है
उतना ही तुर्की के लिए भी है। इसी संबोधन का हवाला देते हुए इमरान खान ने कहा था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अर्दवान ने अगला चुनाव पाकिस्तान में लड़ा तो वो आराम से जीत जाएंगे। मैंने संसद में देखा कि अर्दवान जब बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के सांसद मेज थपथपा रहे थे। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा किसी के संबोधन पर संसद में इस तरह से तालियां गूंजी हों। इससे साबित होता है कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति अर्दवान को किस हद तक चाहते हैं। इमरान खान जब बोल रहे थे तो तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दवान मुस्कुरा रहे थे। अर्दवान के साथ आया उनका प्रतिनिधिमंडल भी यह सुनकर हंसने लगा था।